तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं फार्म पे आया हूँ। भाई फार्म पे किस लिए आप आया मैं बताता हूँ आपको। टैंकर में बैठ के दोस्तों हम जा रहे थे। इसकी दोस्तों जो पीछे वाली जो डिस्प्ले है ना, जिसमें रीडिंग आती है डीजल की, उसमें दोस्तों रीडिंग नहीं आ रही, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, करंट ही नहीं आ रहा इसमें। वो भाई इसलिए फिर वापस आ गए हम सुधीर भैया वाले ग्रेडर में। जो है ये प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, इसकी जो कूलेंट टैंक है वो कहीं से ना फट गया है। फटने के कारण ना कूलेंट सारा निकल रहा है, नीचे से लीक हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करते करते वो ज़्यादा लीक हो गया। पी एम सील वगैरह भी लगाई हमने, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। ये जो कूलेंट टंकी है ना, ये वाली जो कूलेंट टंकी है, ये लीक हो गई। उस दिन आपने देखा भी होगा, एक वीडियो में बता भी रहा था मैं। तो इसको भी खोल रहे हैं, खोल के देखते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग हुआ तो प्लास्टिक वेल्डिंग करवाएंगे, नहीं तो फिर नई आके लगेगी। ये अभी इसका कूलेंट निकालेंगे सुधीर भैया हमारे, ऊपर को खींच के ये पाइप से निकल रहा है सारा कूलेंट। ऊपर करिए थोड़ा सा ये पाइप ना भाइयों, इसमें लगा होता है इसमें। तो भाई कोई सवारी ना होने के कारण भाई मैं जा रहा हूँ फिर अपनी गाड़ी लेके आज ड्यूटी के लिए। सुरस्त आदमी है, लाडी उधर कमरे पे है। आ जाओ टैंकर खराब हो गया। अच्छा, ओ ब्लॉगिंग चालू करी थी अभी तुमने, बंद क्यों कर दी? बंद करने पर तुम्हारी कैमरा आ गया, हमारा कैमरा फेल है ना भाई। भाई साइड में पहुंच गए। ये हमको देख के ना ऐसे बॉयल झूठा झूठा लगा के ना ब्लॉगिंग सी चालू कर देते हैं। देखो ये आ गए, इस टाइम आए ड्यूटी, ये वो क्या करें भाई जब टैंकर ही खराब हो गया। तो भाई सुबह हम नाश्ता करके नहीं आए थे, इसलिए भाई खाना खाने लगे हैं। मैं तो भाई बिल्कुल कुछ नहीं करके आया था। 11 बजने वाले हैं भाई। आज हम रास्ते में से लस्सी का पैकेट ले आए, तो ध्यान दो भाई साहब भी ले आया 2 लीटर लस्सी है ना। तो आज बनी है दूध दूध डाल के भाई, बहुत बढ़िया लग रही है। आलू की सब्जी ले आया, ध्यान दो भाई साहब। लस्सी डालने के लिए कुछ कर लो, ये खा लिए ये से कर लें। लो भाइयों आ जाओ खा लो। ध्यान दो उस्ताद जी, इधर आलू की सब्जी लाए, खीरा, लस्सी है मसाले वाली, मौज आ गई भाई आज। अभी हम यहाँ डाल रहे मसाले वाले की जगह, 1 बजे देखा जाएगा क्या खाएंगे क्या नहीं। हाँ देख लो ना, लिखते पंजाबी च सूरज, पता नहीं मैं सही लिखा है गलत लिखा है, दस्यो वीडियो सूरज गगन। पंजाबी पढ़ते मैं चंगी तरीके ने लेना, पर लिखनी घट आँदी वीरे। भाई अभी सुबह सुबह कोई काम तो था नहीं भाई, और ये खाली रास्ते ब्लेड मारना था, ब्लेड मार दिया भाई। पानी वानी डालेगा तब कहीं जाके काम होगा ग्रेटर का, यही काम था भाई। ग्रेटर ला के फिर इधर दोबारा खड़ा कर दिया है। ये भाई लगने लग गए इसे पैनल, आपको दिखाता हूँ देखो कैसे किस तरीके से रखा जा रहा है। एक और आ गया पैनल, ये निशान लगे इसके अंदर अंदर रहेगा भाई पैनल है। ये भाई देखो निशान लगाए इन्होंने, इसके अंदर अंदर रहेगा पैनल, ये जो किनारा है इसका पैनल का। अरे भाई इसके तो वो लग रहा है भाई रे, पूंड लगे पूंड। ओ भाई, ओ भाई देखो बीच में ना एक गैप दे के लगाएंगे, बीच में गैप जो देंगे ना उसमें दूसरा वाला पैनल रखा जाएगा। आगे को करा जा रहा है ये। कुछ दोस्तों इसके अंदर ना गैप देते हैं, आपको बताऊंगा कितना गैप दे रहे हैं अभी पूछ के। सत्रह सौ नब्बे एम एम का भाई इसमें गैप छोड़ा हुआ है, 1 मीटर 790 mm का। तो बीच में गैप छोड़ के फिर लगाएंगे, फिर इसमें दोस्तों बीच में दूसरा पैनल लगेगा, आपको दिखाऊंगा जब वो लगेगा। इसे करते करते दोस्तों इन्होंने कुछ ही देर में ना कितने पैनल लगा दिए, 4 पैनल लगा दिए, 5वां लगाने जा रहे हैं। ये इनका दोस्तों ये पॉइंट होता है, देखो ये इन्होंने पॉइंट लगा हुआ है ना येलो कलर का, येलो कलर के बिल्कुल किनारे पर रखते हैं पैनल। देखा हुआ है देखो ये स्टार्ट आगे भी इस तरीके से। अब इसकी दोस्तों थोड़ी सी अलाइनमेंट ना बाद में सही करेंगे, जैसे हो रहे हैं ना दोस्तों ये टेढ़े तिरछे पैनल, इसको थोड़ा बाद में सेट करेंगे जब इसमें बीच वाला पैनल रखेंगे ना, जॉइंट से जॉइंट इसका मिलाएंगे। अभी देखो टेढ़े तिरछे हो रहे हैं। तो भाई पूरा दिन भर भाई कोई काम नहीं था, खाली बैठे थे मैं और सूरज उस्ताद जी और ज्ञानपाल उस्ताद जी। दोस्तों ये
और रोलर जो है ना दिख नहीं रहा होगा, ये रोलर दोस्तों वॉल्वो वाला रोलर जो है ना वो ये जा रहा है भाई उधर ओमेक सिटी, और क्योंकि भाई इसमें थोड़ा मेंटेनेंस होना है। और हम वाला रोलर जो सेकंड वाला हम वाला रोलर है वो भाई आ गया इस साइड पे, एक हम वाला रोलर खड़ा है 43 पे, एक 51 पे हो जाएगा। ठीक है तो अभी चलते हैं दोस्तों 43 पे, और पांडे जी दोस्तों लेवल वगैरह उठा रहे हैं आपको दिखाते हैं, और पिंकू भैया उधर ही है उनसे मिलवाते हैं। कहाँ जा रही है ये दोस्तों? जिस गांव में भाई ये 51 चैनल पड़ता है ना, ये भाई गांव है पिनाना, पिनाना गांव का नाम है भाई इसका। और भाई मेरी गाड़ी की हो चुकी है भाई लैंडमेंट आउट, लेफ्ट साइड को भाई भाग रही है, धीरे में नहीं भागती तेज में, तो भाई भागती इस साइड को। एक बार जब खरीदी थी तब कराई थी, और अब फिर भाई दोबारा से करानी पड़ेगी इसकी अलाइनमेंट सही। आ गया भाई अपना 43 भाई, ये 43 चने इधर सब्जी उठा रहे हैं लेबल अपने, इसकी बिलिंग होनी है भाई, रनिंग बिल लेना है इसलिए। अरविंद खड़ा है हमारा, कूद 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 कूद, अरे बाद में भी आ जाएगा इसको छोड़ दे, तू अपना पहुंच जा पहले, पहुंच 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 बेटा जी। जय अरविंद भाई, ये पकड़ यार, 8-8 मीटर कूद है ये तो कुछ नहीं, 8-8 फुट कूद है ये तो कुछ नहीं। फीता लगा ले सर, हाँ बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा बब्बू, पैसे पकड़ ले, फीता पकड़ तुम, मत कूद गया, ठीक है। अरविंद जा रहा है इधर से, हाँ जय श्री राम, लो भाई पकड़ो स्टाफ, ये तो यही दिखा देना, यही से लिखवा दूंगा। ये दोस्तों 43 चैनल की A1 साइड है, और इसको थोड़ा प्रोफाइल कराया था लेवल उठाने के लिए, ये चल रहा भाई डोजर इधर। आराम का जी, हाँ तो अरविंद खुश है कतई, खुशी देख ही नहीं जा रही अरविंद की, कोल्ड ड्रिंक की अरविंद का नंबर बेचारे का पसीना बह रहा है, मैंने बहुत रख लिया अरविंद के लिए, कुछ भी हो चाहे धूप हो सूरज ताज जी हमारी पबजी जरूर खेलेंगे। पिंक उस्ताद जी आ गए, इधर लेवल लिखे जा रहे हैं, उधर भाई आके दिखा रहे हैं स्टाफ, रीडिंग पड़ी जा रही है इधर से, चल बढ़ते जा फटाफट। हेलो भाई, इस साइड के A1 साइड के भाई लेवल उठ चुके हैं, और इधर दोस्तों लगा 1 घंटा, और A2 साइड में लगा भाई ज़्यादा टाइम, क्योंकि ना उसको 2 पार्ट में उठाना पड़ा, वो है ना जैसे देख रहे हो आप दोस्तों। इधर चल रही है PCC, देखो भाई ये बिना उसके शटरिंग के हो रही है PCC, क्या है सर देखो, बिना शटरिंग के हो रही है PCC सही है, हाँ साहब को भी लेता हूँ कैमरे में, ये साहब देखो करा रहे हैं बिना शटरिंग के PCC। तो पीछे तो बड़ा अच्छी वृत्त सी बन गई है पीछे दोस्तों, सही कर दिया है दोस्तों, इतना गीले में सेटरिंग वेटरिंग लगनी पड़ती क्योंकि पानी वानी है यहाँ पे ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा है यहाँ पे। उधर दोस्तों TM, और सर बिना सेटरिंग के करा दिया आज तो PCC है ये होता है दोस्तों TM, मिलर भी बोलते हैं इसको, ये एक साइड को घूमता है तो दोस्तों मेटेरियल बाहर आता है, और दूसरी साइड को घूमता रहता है तो मेटेरियल इसके अंदर ही रहता है। इसके अंदर ना हॉपर बना होता है, हॉपर टाइप, मतलब जिसको बर्मा जैसे बोलते हैं ना, बर्मा टाइप बना होता है इसका। एक दोस्तों ये इंजन अलग होता है किर्लोस्कर का, एयर कूल्ड इंजन, एक गाड़ी का इंजन तो अलग होता ही है भाई, एक खाली दोस्तों इसको हांडे को घुमाने के लिए इसका इंजन अलग होता है। एक तो साउंड बहुत आ रही है भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा दोस्तों, इसमें ना पानी भी रहता है, पानी स्टोर करने के लिए वो आगे टैंक लगा हुआ है, ये वाला दोस्तों टैंक लगा हुआ है पानी स्टोर करने के लिए। जैसे मटेरियल खाली रहता है ना, उसके बाद में भाई इसकी धुलाई की जाती है बड़े तरीके से, इसमें पानी डाल के ना, ताकि अंदर से कंक्रीट वगैरह ज़्यादा जमे ना, बाकी ज़्यादा जमता भी रहता है बाद में दोस्तों, इसमें वो हिल्टी चला के ना, वो क्या बोलते हैं उसको,
वाइब्रेटर से चला के ना वो सारा इसका अंदर से सफाई की जाती है। ये एमडब्ल्यू की भाई गाड़ी है 2518। तो ये है दोस्तों इसकी टंकी और ये है दोस्तों इसकी मोटर घुमाने वाली। हाइड्रोलिक प्रेशर से भाई घूमता है इसका हांडा ये। और ये भाई सूट रखी है, इसको सूट बोलते हैं भाई। जब ये अंदर से सफाई होती है ना हिल्टी वगैरह इसके अंदर चला के, जब हेल्पर इसकी सफाई करता है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई आके स्टार्ट ना कर दे। स्टार्ट करके घुमा दिया ना तो भाई हमारे सामने भाई एक बंदे की मौत हो गई थी ऐसी। तो ये बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ये दोस्तों एक्सावेटर से ना बॉकेट में भाई भर भर के मटेरियल और उसमें डाल रहा था मैं भाई, उधर लेवल उठवा रहा था पांडे जी के साथ में, नहीं तो भाई आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाता। चलते हैं भाई, अब एक पांडे जी को टिफ़िन दिलवा के लाना है खाने का, दिलवा के लाते हैं गुहाना से। पांडे जी को दोस्तों दिलवाने आए हैं टिफ़िन इधर गुहाना से। तो भाई अभी जा रहे हैं कमरे पे, हमारे साथ हैं पिंकू भैया और ये सारी पार्टी देख रहे हो। तो कमरे पे चलते हैं भाई, आज काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लेट भी हो गए हैं। तो लो भाई अभी फार्म पे आ चुके हैं। तो भाई अभी फार्म पे आए थे और इधर खड़ी है बैको भाई, गाड़ी कर दी है खड़ी फार्म पे। भाई कोई है नहीं, सागर जी भाई घर पे रह रहे हैं आजकल, इधर भाई कम ही आना हो रहा है उनका फार्म पे, इसलिए भाई वो साइड पे भी नहीं आजकल आ रहे। तो भाई अभी कमरे पे आ चुके हैं और भाई खाना खाने की तैयारी है। भाई अरहर की दाल बनी है आज, कल शायद दोस्तों सागर जी आएंगे भाई साइड पे, तो भाई आएंगे तो भाई आपको मिलवाऊँगा। और मुझे भी भाई काफ़ी दिन हो गए मिले हुए सागर जी से, भाई बड़ा मिस कर रहे थे आप भी और मैं भी भाई काफ़ी मिस कर रहा था, सारे भाई मिस कर रहे थे। और पांडे जी को भाई टिफ़िन दिलवाने गए थे, भाई टिफ़िन मिल नहीं पाया और भाई उन्होंने भाई अब ऑनलाइन ऑर्डर करा है जिस तरीके का भाई वो चाह रहे थे। काम भाई साइड पे ज़्यादा चल नहीं रहा क्योंकि भाई पानी वाले टैंकर ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो भाई उनका थोड़ा मेंटेनेंस हो रहा था आज भी, तो उनका काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस हुआ। तो अब भाई कल से थोड़ा और बढ़िया से काम चलेगा क्योंकि भाई फ्लाइएस में पता क्या है, पानी का ही ज़्यादा रोल रहता है, पानी और एक्सावेटर दो चीज़ चाहिए। पानी नहीं डलेगा तो भाई आगे चाल नहीं डल पाती, फ्लाइज की गाड़ियाँ नहीं आ पाती और ग्रेडर रोलर का भाई काम नहीं आगे हो पाता। तो भाई अगर पानी डलेगा तभी भाई ग्रेडर रोलर का भाई आगे सीन बनता है काम करने का, तो भाई ये बात होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।